आज देश के अंदर सब तो वह अत्याचार हो रहा है गरीब से मजदूर से एससी एसटी ओबीसी के समाज से सब तो वह अत्याचार हो रहा है। आज जी असि लड़ाई शुरू की है ये किसी अमीर की लड़ाई नहीं, आज जो तुम लेबर करने वाले बैठे सब तो दूर दूर बैठे हो छोटी लड़ाई है ये तो साढ़े को क्योंकि तुम अपने बच्चों अगर पढ़ा चाहते हो तो जी 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार फीस है दे नहीं सकते। ये जी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम ये मजदूर के बच्चों गरीबों के बेजमीन के लोगों के लिए है, उन्होंने जिन्हों को साधन नहीं है जिन्हों को पैसा नहीं है उन्होंने स्कीम दी जाती है कि सरकार वालों रोस जिहड़ा प्रदर्शन इस तरह जारी रखांगे जद तक साडियां मंगां पूरियां नहीं हो जांदियां। अज तां असी घट गिणती दे विच जिहड़ा इकट्ठे होए आं, जेकर सरकार ने साडियां मंगां ना पूरियां कीतियां तां असी पंजाब लैवल ते जिहड़ा यूथ आ उसदा इकट्ठ करके असी अपना रोस मुजाहरा करांगे, धरने लावांगे। सानूं जेकर रोड भी रोकने पै जाण तां असी उह भी करांगे क्योंकि साडे हक्कां लई असी लड़दे आं। इन्हां ने पंजाब सरकार ने कैप्टन ने अज तक कोई भी चंगा काम नहीं किया। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम गुरिंदर सिंह कैड़ा केड़े कॉलेज से, मैं देश भगत यूनीवर्सिटी के 2017 के पास आउट होया सीगा ते मेरा उत्थे सर्टिफिकेट उन्होंने ये कह के रख लिया कि तुहाडी जिहड़ी फीस है वो भरी नहीं गई क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जिहड़ी उहदे आधार ते कोई भी बच्चा जदों तक चाहे पढ़ सकता। आ देखो मेरा देश भगत यूनीवर्सिटी का यू कैन सी माई आई डी कार्ड ते उन्होंने मेरा जिहड़ा सर्टिफिकेट है पी जी डी सी पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा वो मैं किया सीगा उस दोस्त का मेरा नाम आ तो मैंने जो डी एम सी वगैरह होंगे ने सर्टिफिकेट होंगे ने हूँ दे नहीं रहे, कहते पहला फीसा भरो 15,000 रुपया। देखो असी कितों फीसा भरीए, असी गरीब मजदूर हाँ पहले ही बेरोज़गारी ने मारे हैं, कैप्टन ने पहले ही बेरोज़गारी पैदा की है इन्नी, फिर असी फीसा दसो कितों भरा। आम जे एस सी एस टी दलित भाईचारे के जोड़े बच्चे ने उन्होंने ये जोड़ा बहुत बड़ा कैप्टन ने धोखा किया, उन्होंने बच्चे किदा पढ़ जाएंगे तो जड़िया फीसा पहले ही रुकिया पे मेरिया फीसा पहले ही रुकिया पे मेरे वर्ग के होर कि बच्चे ने जो इस सामना कर रहे हैं इस चीज़ का। सो यही बेनती करा कि जल्दी तो जल्दी कैप्टन सरकार इस साडे जिहड़ा मंग पत्र नूं इहदे गौर करे, नहीं तो फिर असी विद्यार्थी वर्ग सारे पंजाब दे विच इकट्ठे हो के वक्ख वक्ख थावां ते इन्हां दीआं कोठियां दा घराओ करांगे। की गलबात ये बारे में अच्छ असी स्टूडेंट वक्ख वक्ख कॉलेजों तों इकट्ठे हुए थे, एस सी ओ बी सी एस सी टी के कॉलेज स्टूडेंट आज इकट्ठे हुए हैं। साडा मुद्दा सीगा जो अज्ज स्कॉलरशिप के ही सरकार द्वारा घोटाला किया जा रहा वा, जिस दे विच उन्होंने घोटाला करके लखां रुपया करोड़ों रुपये अड कर गए तो हम स्कूलों कॉलेजों के जाते हैं, एस सी बी सी ओ बी सी बच्चे जाते हैं, तो कॉलेजों के यही गल कही जा रही है कि सानू 3 सालों तो ना तो सरकार कन्नी स्कॉलरशिप का पैसा आया ना किसी होर अदारे कन्नी सानू पैसे पहुँचे, सरकार सानू पैसे नहीं दे रही, जिस करके स्कॉलरशिप के पैसे ना आने करके उन्होंने कॉलेजों ने एस सी ओ बी सी हमेशा ही दरवाजे बंद किए हैं। वो कह रहे हैं जेकर फीसा कॉलेजों में जमा कराओगे कराओगे तो इन्होंने कॉलेजों में पढ़ोंगे, जिस मुद्दे लिए अज अं इकट्ठे हुए थे साडा ही मुद्दा सी जो घोटाला किया गया सरकार द्वारा ये कोई एक जिम्मेवार नहीं तो सरकार जिम्मेवार ने इसका कोई ना कोई हल किया जाए। जो सरकार 3 सालों तो कॉलेजों को फीसा नहीं भेज रही, कॉलेजों को साल दर साल फीस भेजी जाए ता जो कॉलेजों में पढ़ रहे बच्चों कोई भी मुसीबत सामना ना करना पवे, जो ये सोची साझी साझी साजिश आ जिसके बदौलत गरीब समाज में पढ़ाई तो वांझा किया जा रहा यह बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। तो जेकर सरकार नहीं सुन दिया जा नहीं कुछ कर दिया तो इस तो वड्डे लैवल इकट्ठ करके असर रोस प्रदर्शन करा तो रोज किया जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, की अज मंग सी जी साडा जिहड़ा कैप्टन सरकार का 63 करोड़ का घोटाला होया ये साधु सिंह वरत्या जा रहा, एक तो वो विरोध के भी जोड़ा साधु सिंह का अस्तीफा दवे दवे वो कैप्टन जिम्मेवार है, क्योंकि साधु सिंह कई बार खुद ही मन चुकया
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਰੀਆਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਮਨੋਹ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਸੂਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ।